फोटो के लिए लोकेशन पे जा रहे हैं, मस्त लोकेशन है। तो गाइस यहाँ पे स्कूल भी है और गुरुद्वारा भी है। अभी शायद ये देखिए सामने गेट भी अभी बन ही रहा है। हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन भोपाली में। तो गाइस आज हम फिर आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। सो गाइस आज जो है, आज है वेडिंग और वो है गुरुद्वारा में। तो मैं आ चुका हूँ, लास्ट तक बने रहिए ब्लॉग में, क्योंकि आज हम हो सके तो वीडियो मतलब ये प्रोग्राम दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या है कि बीच बीच में प्रोग्राम चलते थे और शूट करने में टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए तो लास्ट तक बने रहिए ब्लॉग के। और तो ठीक है, ब्लॉग को शुरू करते हैं। ब्लॉग को शुरू करने से पहले ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग नए हों वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। गुरुद्वारा में आ चुके हैं। सो गाइस गुरुद्वारा में आ चुके हैं, देख सकते हैं सामने। नहीं अभी शायद लग रहा है बन रहा है अभी। अभी दुल्हन रेडी हो रही है और देखते हैं गुरुद्वारा के अंदर ही होगी वेडिंग। अभी दूल्हे वाले भी शायद अभी नहीं आए हैं और पीछे देख सकते हैं सामने उधर स्टेज लगा हुआ है, रिसेप्शन होगा। जो भी स्टेज पे फोटो वोटो खींचते हैं वो उधर होंगे और खाने पीने का भी उधर ही है। और गुरुद्वारे के अंदर तो सिर्फ फेरे होंगे, देखते हैं कितनी देर से तैयार होती हैं, फिर ग्लोब लेंगे और देखते हैं कितनी देर में दूल्हा दुल्हन आते हैं, शुरू कितनी देर होता है। तो बने रहिए ब्लॉग में। आपको थोड़ा अंधेरा है फिर भी दिखाता हूँ आपको स्टेज कैसा क्या बना है, क्या नहीं है, कुर्सी जम गई है वैसे, तो दिखाता हूँ कैसे क्या बना है। अभी सजी रहा है, अभी स्टेज वहाँ लगेगा, बाकी कुर्सी जम रही हैं, देखते कितनी देर लगती है। गाइस यहाँ पे स्कूल भी है और गुरुद्वारा भी है। अभी शायद ये देखिए सामने गेट भी अभी बन ही रहा है। बहुत ही अच्छा है, शांत माहौल है इधर, हरियाली भी अच्छी है। वेडिंग हो चुकी है और अब क्लोजअप के लिए जा रहे हैं और रिसेप्शन भी हो चुका है, अब सिर्फ क्लोजअप खींचने बाकी हैं।
और ये हमारे आयुष भाई आ रहा है, फोटोग्राफर साहब, जिसका प्रोग्राम है ये। हाय बडीज। तो चलो तो फिर चलते हैं। ये फोटो के लिए लोकेशन पे जा रहे हैं और उस साइड क्या है, पेड़ ही पेड़ देख सकते हैं आप, कितने पेड़ ही पेड़ लग रहे हैं, तो उस पर लोकेशन बहुत अच्छी आएगी, इसलिए जा रहे हैं सब उधर। क्लैप के लिए बहुत माथा पच्ची करनी पड़ती है, लोकेशन ढूंढना पड़ता है, ये तो स्ट्रगल है। घर जाए, ये देख सकते हैं अब इतने से गेट से कैसे निकलेंगे, ये देख सकते हैं आप। ये मेहनत करनी पड़ती है ज्यादातर, उठा दरी पूरा सामान इधर से उधर लेके जाओ। देख सकते हैं पूरी हरियाली हरियाली है, इस बीच में होगा, ये देख सकते हैं स्कूल है, सामने गुरुद्वारा है, वहां से चल के आए हैं इधर से होके इतनी दूर। चलो चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या क्लोजअप है। मस्त लोकेशन है, गाइस क्लोजअप हो चुके हैं, अब खाने पीने की तैयारी है और विदाई की तैयारी है, तो देखते हैं कितने देर से विदाई होती है और चलते हैं फिर विदाई की तरफ। तो विदाई यहाँ से तो होगी नहीं, अब होगी शायद घर से होगी, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या है क्या नहीं। अब सिर्फ खाना पीना बाकी है और यहाँ से फ्री हो गए हैं, सिर्फ विदाई बची है। तो गाइस फाइनली विदाई हो गई है, गुरुद्वारा से ना करके घर से विदाई करी इनने, तो उधर से आ गए थे तो जल्दबाजी में दिखा नहीं पाया आपको, और घर से भी विदाई होके अब फाइनली सब जा चुके हैं, विदाई हो गई है और अपन भी चलते हैं। तो बताइए ब्लॉग आपको कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।